बात का मैंने ऐलान किया हूँ कि मैं पार्लियामेंट जो इच्छुक उम्मीदवार था, ख्वाहिशमंद था, मैं आज ये बात का ऐलान करता हूँ कि अब मैं पार्लियामेंट इलेक्शन नहीं लड़ूँगा। मैं पार्लियामेंट 2024 में जो इलेक्शन हो रहा है पार्लियामेंट का, मैं धुलिया लोकसभा पार्लियामेंट हल्के से ख्वाहिशमंद उम्मीदवार था, इच्छुक उम्मीदवार था, और मैंने मुकम्मल सर्वे किया था। और शेख रशीद साहब की जो विचारधारा रही, शेख रशीद साहब की जो सोच रही, हर समाज, हर धर्म, हर मज़हब, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित भाई, आदिवासी भाई, सबको लेकर चलने की रही, और हमारे परिवार की एक इमेज बनी हुई है हर समाज, हर धर्म में। इसलिए मैं ख्वाहिशमंद था और मैंने सर्वे किया था। मुझे सब तमाम ही लोग, हिंदू मुस्लिम सब मिलकर ये बोल रहे थे कि आप उम्मीदवारी करो, लेकिन अगर हमारे अपने घर से, मतलब हमारे शहर से, अगर मायूस करने का काम मौलाना उमरैन साहब को भी किया गया, और मुझको लगा कि अगर मौलाना उमरैन साहब के साथ अगर इस तरीके से हो सकता है, उनको मायूस किया जा सकता है, उनको डराया जा सकता है, तो वह एक आलिम है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी है, तो मैं तो सियासी आदमी हूँ, तो मैं मुझको भी, हालांकि मैं डरता उड़ता नहीं, हार और जीत का नाम रहता है, लेकिन भाजपा को हराना है, इसके लिए एक प्लेटफार्मों पे शहर के सियासी लीडरान नहीं आ पाए, तंजीमें नहीं आ पाई, इसके लिए आज पार्टी के तमाम ही जिम्मेदारान की मौजूदगी में, लेडीज़, जेंट्स, तमाम ही कार्यकर्ताओं की जनरल मीटिंग के अंदर आज इस बात का मैंने ऐलान किया हूँ कि मैं पार्लियामेंट जो इच्छुक उम्मीदवार था, ख्वाहिशमंद था, मैं आज ये बात का ऐलान करता हूँ कि अब मैं पार्लियामेंट इलेक्शन नहीं लड़ूँगा। लेकिन ये जुमला पूरा आप लगाना, लेकिन मैंने जो सर्वे किया हूँ, जो पूरे सर्वे मेरे पास है, अगर इस मर्तबा, लेकिन दूसरे के लिए सर्वे नहीं है, क्या बोल रहा हूँ, दूसरों के लिए सर्वे नहीं है, मैं और मेरा परिवार और हमारे पार्टी के जिम्मेदार, हम मिलकर हिंदू भाइयों की भी वोट लाने की सलाहियत रखते हैं। इसलिए शहर के दूसरे लीडरान, तमाम ही सियासी, तमाम ही समाजी, तमाम ही दीनी तंजीमें अगर दो दिन की तक मुझको दो दिन बाद आकर बोलेगी कि नहीं, हम सब एक साथ है, आपके साथ है, और बिना बिस्सी के, तो मैं उम्मीदवार वापस बन सकता हूँ। लेकिन फ़िलहाल मैंने आज मेरी पार्टी का फैसला ये हुआ है, हमारे वर्करों का फैसला और मेरा, कि आज उम्मीदवारी मैं नहीं करूँगा, इस बात का मैंने ऐलान किया। कल में उसका ढक्कन नहीं खुला, जब ढक्कन खुलेगा तो खुशबू आएंगी, तो किधर से खुशबू आ रही है बात समझ लो, इस साइड से खुशबू आ रही है, मालदा साइड से आ रही है, कि दयाना साइड से आ रही है, कि अपने मुशायरा चौक से आ रही है, तो ये जब तक ढक्कन नहीं खुलेंगे जब तक नहीं, लेकिन पक रही है इतना ज़रूर है, क्योंकि मैंने देखा कि लकड़ी भी गई, चावल भी गया, दाल भी गया, पानी भी गया, तेल गया, मसाला गया, बहरहाल खिचड़ी पक रही है, सामान जाते हुए देखा हूँ, लेकिन कहाँ पक रही है अभी ये फ़िलहाल मुझे नहीं पता। नहीं, मैं खिचड़ी अभी वो कौन से कलर की है मैं बताया ना, कि उसमें हल्दी डाली गई, हरा रंग डाला गया, या वाइट खिचड़ी है, ये आज नहीं बोल सकते जब तक ढक्कन नहीं खुलेगा। मन कारपेट, हमारे वहाँ कारपेट, करास, हेटलोन, रेलवे वाला कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मुस्तफा बंगार बाजार, डायमंड कारपेट।